हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं टेंस, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। तो जो टेंस है, समय, जैसा कि आप सभी को पता है, तीन टाइप का होता है। ये जो टाइप है, ये टेंस के ही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो आज है, अभी हो रहा है या अभी अभी हुआ है। पास्ट जो कि पहले हुआ था, एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिस टाइम पे ये पास्ट भूतकाल हुआ है। और फ्यूचर जो कि अभी आने वाले समय में होगा। तो जो टेंस है वो, ये तीन तो होते ही होते हैं। इनको, इनकी एक्टिविटीज़, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए एक्शन भी होता है। और जो एक्शन होता है वो हमारा चार टाइप के होते हैं। ये इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब है जो कि निश्चित नहीं है। जिन निश्चित नहीं है, मतलब इसमें आपकी हैबिट्स, इसमें आपकी हैबिट्स आ जाती हैं। जैसे कि आपको पता नहीं रहता है कि कब आपको हाथ धोने की अगर आदत है, तो आप कितने भी टाइम पर हाथ धोएंगे, आपको एक निश्चित समय पता नहीं रहेगा कि किस समय आपने हाथ धोए हैं। या फिर आपको, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आपको ये नहीं पता लगता कि आपने दिन में 100 बार व्हाट्सएप ऑन की है, या फिर 10 बार की है, या फिर आज एक बार भी नहीं किया, आप काउंट नहीं करते हैं। तो जो ये एक्टिविटी हो गई है, ये एक्टिविटी हो गई है आपकी इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब कि जो कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित कार्य है। अनिश्चित कार्य का मतलब ये नहीं है कि वो कभी पूरा नहीं होगा। ये जो कार्य है, जो आपका काम है, वो ऐसे टाइम पर होगा कि उस एक्टिविटी का टाइम आप नोट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको इनडेफिनेट कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि अभी 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 जो काम चल रहा है वो पूरा नहीं हुआ है। मतलब कि जिस पॉइंट पर आप अभी काम कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस जो एक्शन हो रहा है, उस टाइम पर ना तो आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, नहीं पता आपको, ना ही आपको इसका एंडिंग पॉइंट पता है कि कब खत्म होगा। बस आपको बस ये पता है कि ये हो रहा है बस। और परफेक्ट, परफेक्ट जो परफेक्ट एक्शन होता है, उसमें आपको पता होता है कि जो काम है वो हो चुका है, अभी अभी हुआ है, यू हैव जस्ट कंप्लीट द वर्क। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो एक्शन होता है, जब आपका काम होता है, उसमें आपको सिर्फ पता रहता है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट पता रहता है कि आपने सुबह से काम कर रहे हैं, आप अभी भी कर रहे हैं, अभी का ही पता है कि, इसलिए इसका आ गया आपके पास कॉन्टिन्यूस। और कब खत्म होगा ये आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और अभी इस टाइम पर ये काम हो रहा है, और आपको जो एंडिंग पॉइंट है वो नहीं पता रहता है। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है ऐसा। इनडेफिनेट में एक और यूज है, जो कि है यूनिवर्सल ट्रुथ का। जी हाँ जी, यूनिवर्सल जब का ट्रुथ होता है, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो कि जो सन है वो सिर्फ ईस्ट, जो आपकी पूर्व दिशा है, उससे ही उगता है। और जो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के गोल गोल घूमती है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सब कुछ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इंडेफिनेट होता है, जो इंडेफिनेट होता है, उसमें आपकी जो हैबिट्स हैं वो यूज होंगी, क्योंकि जो हैबिट्स हैं, परमानेंट एक्शन यूज होगा। और यूनिवर्सल ट्रुथ आपका जो है, ये सेंटेंसेस आएंगे, क्योंकि इनका समय निश्चित नहीं होता। परमानेंट में हालांकि निश्चित होता है, आप जो चीज़ रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं वो आएंगी इनमें। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, आपको ये पता है कि आप इस टाइम पर काम कर रहे हैं अभी, आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि अभी एक्टिविटी हो रही है। परफेक्ट, परफेक्ट में आएगा कि आप काम कंप्लीट कर चुकी हैं।
और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है कि आपका काम स्टार्ट हो चुका है, अभी स्टार्ट अभी आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि ये काम कब कंप्लीट होगा। उसके बाद हम यूजेस देखेंगे इसके। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर है वो पता होगा इनका, कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको डू, डज, इज, एम, आर, विल, शैल और वोज वर, इनसे आप परिचित होंगे। अभी हमने ये इनका मीनिंग किस लिए देखा है, क्योंकि अगर सेंटेंसेस आती हैं तो आप उनसे ये देख सकोगे कि अभी काम हो चुका है, हो रहा है, या फिर अभी एंड नहीं हुआ है। तो आप देखोगे कि आपको ये एक्शन पता लगेगा, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स का भी यूज़ करोगे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि ये यूज़ होंगी, और आप उसमें जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का आपको पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीन फॉर्म होती है मेन वर्ब की। जैसे कि अगर हम लेते हैं ईट, तो ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म होगी, एट एट जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म होगी, और जो थर्ड फॉर्म है वो है आपकी ईटन। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपके आते हैं इनडेफिनिट में। इसको भी आपको पता होगा कि अगर सिंगुलर है तो एस या एस लगता है, तो ईट्स आपको पता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो ईट आता है, और पास्ट में एट सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट में, और ईटन जो कि आपकी परफेक्ट में यूज़ होती है थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ing लगाते हैं, ईटिंग। अब आपको याद आ गया होगा। अब हम इसके यूजेस देखते हैं कि यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो हुआ है, उसमें इन वर्ड्स का यूज़ होता है, इनको कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो आपकी एक्टिविटी है वो कैसे होती है। जैसे कि नेवर, आप कभी नहीं करते उस एक्टिविटी को। आई नेवर स्लीप एट एट नाइट। अगर एट नाइट लगाएंगे तो देखने में गलत होगा। अगर हम यूं कहें कि आई नेवर स्लीप अर्ली एट नाइट, कि मैं रात को जल्दी नहीं सोता हूँ, तो ठीक होगा। तो जो ये आपके वर्ड्स हैं, ये जो आपके वर्ड्स हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये जो मेन वर्ब होती है उससे पहले आते हैं। आप जैसा कि नोटिस करेंगे यहाँ पे जो गेट्स है, अर्नव ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है बार बार। तो आप इनको नोट कर लीजिए, इनके मीनिंग जो ऑफन है, फ्रिक्वेंटली है, यूजुअली है, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली और ऑफन, इनका मतलब होता है बार बार। जो अर्नव है वो लेट होता है लंच के लिए, बार बार लेट होता है, तो उसकी आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। यूजुअली मैंने बताया कि यूजुअली का मतलब सेम यही होता है, बार बार। जो पर्ल है वो बिलीव करती है सभी पर, तो ये उसकी हैबिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया है। शौर्य सेल्डम गेट्स अप लेट। तो जो सेल्डम का मतलब होता है वो होता है कभी कभी, ओकेजनली और समटाइम्स, ओकेजनली और समटाइम्स, इनका इसका मतलब होता है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। कभी कभी जो शौर्य है वो कभी कभी लेट उठता है। उसके बाद ऑलवेज का आपको पता है,
हमेशा, नेवर, कभी नहीं, रेयरली, और आप एक वर्ड यू राइट कर लीजिए, हार्डली एवर, HARDLY, हार्डली, EVER, एवर। हार्डली एवर का मतलब होता है मुश्किल से। इन दोनों का मतलब रेयरली और हार्डली एवर का मतलब, दोनों का मतलब होता है मुश्किल से। डेली का मतलब आपको पता है, एवरीडे, एवरीडे आएगा तो लास्ट में आएगा, डेली आएगा तो लास्ट में आएगा, बीच में नहीं आएगा, और ऑलवेज बीच में। बीच में मतलब मेन वर्ब से पहले, यहाँ पे गेट से पहले ऑफन आया है, बिलीव से पहले यूजुअली आया है, और यहाँ पर भी गेट से पहले सेल्डम आया है। तो ये वर्ड्स हैं वो आपके जो मेन वर्ब है जिसमें आप एस यहाँ पे लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आपका सिंगुलर है। अगर यहाँ पर वी आता तो यहाँ पे गेट्स नहीं होता, सिर्फ गेट होता। तो ये जो मेन वर्ब है उससे पहले आएंगे जो वर्ब, ये वर्ड्स हैं, और ये जो वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वर्ड्स का डिनोट करते हैं, हमारी हैबिट्स को डिनोट करते हैं। तो आपने सीखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट आपने सीख लिया है, इन वर्ड्स को भी सीख लिया, याद कर लीजिए, इनके मीनिंग भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप नोट कर लीजिए। तो मैं होप करता हूँ आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। आप जैसे ही इन वर्ड्स को देखेंगे आपके माइंड में आएगा कि ये जो टेंस है वो इनडेफिनेट है। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल का जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिए। गुड बाय, टेक केयर, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।